नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। गणतंत्र दिवस समारोह में डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सरकार की नीति और नियत साफ कर दी है। इसके पहले भी डॉक्टर मोहन यादव अपनी सरकार के वादों और इरादों को लेकर स्पष्ट संकेत देते रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान श्रीराम की शासन व्यवस्था को मध्य प्रदेश में चरितार्थ करने का वादा किया तो श्रीराम और भारतीय संस्कृति से जुड़े शासकीय कार्यों और योजनाओं को और गति देने की बात कही। कांग्रेस अब सीएम के इस दावे पर हमलावर है। देखिए खास रिपोर्ट। सरकार अच्छा काम कर रही है और वो वित्तीय कोई कठिनाई नहीं आने देंगे भारत सरकार के द्वारा। एक महीने 46 दिन में आपने रामायण और गीता जैसे वचन पत्र में से एक भी शब्द अभी तक नहीं पढ़ा। डॉक्टर यादव ने एक बार फिर कहा कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी है। यादव ने स्वच्छता, सुशासन, जनहित, कानून व्यवस्था, प्रभावी सरकार को लेकर अपनी सरकार की प्राथमिकताएं सामने रखी। मुख्यमंत्री ने वादा किया कि आम आदमी की जीवन को और सरल बनाया जाएगा, लोगों तक सरकार की योजनाएं खुद पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शिक्षा व्यवस्था में कौशल उन्नयन और व्यवहारिक एजुकेशन देने से जुड़ी बातें शामिल थी तो पिछड़ी जनजातियों, अनुसूचित जाति वर्ग और समाज के अति पिछड़ित वर्ग के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों का जिक्र भी था। तो अपनी सरकार के द्वारा किए गए कामों के आधार पर जो हमने सुधार किए उस विषय को भी सामने रखा। उस आधार पर हमारी अपनी जो वित्तीय व्यवस्थाओं में जो मदद की बात है उन्हें आश्वस्त किया कि मध्य प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है और वो वित्तीय कोई कठिनाई नहीं आने देंगे भारत सरकार के द्वारा। जो जो भी मदद मध्य प्रदेश सरकार मांगेगी वो पूरी मदद करेगी। तो एक अच्छी विजिट भी थी। इधर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की योजनाओं और वादों को लेकर शुरू से ही सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पहली बार सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया। ये सवाल भी किया कि धान गेहूं के दाम कब बढ़ेंगे, 450 रुपए में गैस सिलेंडर कब से मिलेगा। एक महीने 46 दिन में आपने रामायण और गीता जैसे वचन पत्र में से एक भी शब्द अभी तक नहीं पढ़ा। क्या कारण है कि धान की तुलाई हो गई, आप 3100 रुपए के आपने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। आप मुंह चलाते हो रोज, कलम कब चलाओगे, निर्णय कब लोगे? मैं निर्णय लेके जनता के, किसानों के हितों की रक्षा कब करोगे? क्या कारण है कि 145 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने की बात हुई थी, आज तक आपने 2 महीने के बीच में भी आपने निर्णय नहीं लिया? क्या कारण है अभी गेहूं की तुलाई के रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं, चालू होने वाले हैं, तो आप उस पर गेहूं के 2700 रुपए के बात क्यों नहीं करते? आपने क्या कोशिश की? कांग्रेस विपक्षी दल है, उसके अपने सवाल हैं, लेकिन डॉक्टर यादव सुशासन की बात करते हुए लगातार आगे बढ़ने का जतन करते दिखते हैं। वो प्रशासनिक सेवा में चयनित कैंडिडेट्स को भी सुशासन का मंत्र देते हुए दिखाई देते हैं। जन आकांक्षाओं का उन्हें बेहतर ढंग से पता है। बीजेपी के प्रति जनता की दरिया दिली से वाकिफ डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास को लेकर किस तरह आगे बढ़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। तो नीति, नियत और सवाल, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी जुड़ी हैं। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी इस डिबेट का हिस्सा है। नीलाभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, लगातार डॉक्टर मोहन यादव सुशासन की बात कर रहे हैं, सुशासन का दावा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर कांग्रेस का ये सवाल कितना अहम आपको लगता है कि धान गेहूं के दाम कब बढ़ेंगे? किसानों को इसकी काफी चिंता है और इसके साथ ही जो 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था वो भी अब तक अधूरा है, तो क्या आपको लगता है कि सुशासन पूरी तरह से अभी तक नहीं आ पाया और जो वादे हैं उस पर भी अभी तरह से किसी तरह की टिप्पणी नहीं आई है सीएम की? भारतीय जनता पार्टी अपने सबका सबके बीच प्रयासों के साथ वचनों को पूरा करती हुई ये कहा था कि ताली बंदा योजना एक है और जिस तरीके से इन्होंने बाहर उसमें अड़चन रोकने के प्रयास आज सबके साथ लाड़ी हाथों में 1200 हो रहे हैं बजाय कि हाथों में योजना जो है पूर्ण हो ही नहीं पा। आज बने हुए सभी
और जिसका सबसे बड़ा प्रतिफल सीट्स जी के साथ में हम लोग बहुमत की तरफ। तो कांग्रेस जिस तरह से करनी चाहिए खुद के नेतृत्व को बचाने, जिस तरीके लक्ष्मण सिंह विजय सिंह जी को और जिस तरह से ऊपर से इनकी राजनीति देखी, तो पटवारी जी ये कहते थे पार्टी है आप तो अपनी पार्टी बचाएं, बचा पार्टी को तो खत्म करने ये लोग सवाल खड़े सारे होता है सवाल खड़े करना आए थे। आप देखो उसके अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन बेनिफिट्स भी मिले और पीजी के दाम भी कम किए गए थे, शायद जीतू पटवारी जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। या हम कहें कि जिस तरीके से लोगों को आज आयुष्मान का फायदा मिला है उस चीज को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जो लोगों के लिए दिव्य सपना की तरह था आज वो सारी योजनाएं लोगों के घर तक पहुंची हैं और भविष्य में भी जो योजनाएं की गई है वो लागू निश्चित तौर पर की जाएंगी। ठीक है नीलाब जी, आयुष्मान का फायदा बहुत सारे मध्य प्रदेश वासियों को मिला, लाडली बहना का फायदा बहुत सारी महिलाओं को मिला, फिर कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही है कि मध्य प्रदेश में सुशासन नहीं आया और वादे अधूरे रहे। जी नीलाम जी आपकी बात रखें। आप मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को पर्चा दे दिया जाता है, उसको रट के आ जाते हैं और बिना सांस लिए बिना पानी पे बोल जाते हैं, सब प्रवक्ता एक ही भाषा में बोलते हैं, शायद पर्चा जो करके बढ़ जाता है वही रट के बोल देते हैं। रिपोर्ट आई मेरे मन से नहीं बनाई है ना मेरे कांग्रेस कार्यालय में बनी, बड़े पेपर की रिपोर्ट बता रही है कि राज्य शासन लगभग 370 योजनाओं को बंद करने की पुरजोर तैयारी कर ली है, जिसमें किसान कारोबारी छात्र मेट्रो ट्रेन और सड़क योजना जुड़े कई काम होल्ड कर दिए गए। मध्य प्रदेश सरकार लगातार कर्ज ले रही है, 2000 करोड़ कर्ज नई सरकार ने लिया है। जिन योजनाओं पर रोक लगाने की तैयारी है उसे मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मॉडल स्कूल योजना, टंट्या भील का मंदिर जिसके नाम से आपने वोट कबाड़े भ्रमित किया आदिवासियों को, आईटी पार्क लगाना, जॉब और करियर फेयर, तीर्थ यात्रा योजना, खेलो इंडिया और लाडली बहना, चूंकि मजबूरी है तो उसे आप दे रहे हैं। ये मेरी मन की रिपोर्ट नहीं है ना कोई मैं आरोप प्रत्यारोप लगा रहा हूँ, ये TOI टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्वे की रिपोर्ट है, बड़ा बड़ा पेपर है, छोटा पेपर नहीं है, तो आप अपडेट रहा कीजिए। दूसरी बात अभी देने की बात कर 20/1/2024 का भी आज की घटना, 400 निकायों के पैसों पर कैंची लगा दी गई, लाडली बहना के खर्च और चुंगी के नुकसान से कर्मचारियों का वेतन लेट हो गया है, भुगतान अटक चुके हैं, 1700 करोड़ की स्कीम से 500 करोड़ के काम तो स्वीकृत हो गए लेकिन एक पैसा भी नहीं आया। कुल मिलाकर हालत ऐसी है कि जो पुरानी योजनाएं बंद कर दी जा रही है, कर्मचारियों को देने को तनख्वाह नहीं है और ये बिल्कुल रटर रटा संवाद बोल के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अरे मैंने कहा वंदना जी आप वर्तमान में जिया कीजिए, अपडेट रहा कीजिए, पढ़ा कीजिए कि कल क्या छपा था, परसों क्या छपा था, उस पर बात कीजिए, वही पर्चा लेकर आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, कम से कम अपने अपने विवेक का इस्तेमाल करें उसके बाद बहस करें। सीधी बात है कानून व्यवस्था की धज्जियां प्रदेश में उड़ रही है, उज्जैन का दोहरा हत्याकांड, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर हमला, पुलिस कर्मियों की हत्या छिंदवाड़ा से हुई है, उसके बाद देखिए आप बच्चियों से रोजगार के लिए अधिकारी असमत मांग रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, बड़े अधिकारी असमत मांग रहे हैं बच्चों को रोजगार देने के लिए, ठीक है आपने कार्रवाई की, इतनी घटनाएं होती क्यों है? तो सीधी बात है कुल मिला के आपने 450 सिलेंडर देने की बात की, अब बात ही नहीं कर रहा उस पर, धान और गेहूं का मूल्य जो आपने किया था पर आप बात ही नहीं कर रहे हैं, आपने लाडली बहना को 3000 देने की बात भी की थी उस पर बात नहीं कर रहे हैं, शिवराज जी ने घोषणा की थी 2 लाख नौकरियां प्रति माह देने की उस पर बात नहीं हो रही, अरे शिवराज जी ने योजनाओं की जड़ियां लगा दी थी, एक लंबी चौड़ी फेरिस थे, या उन्हें भूल चुके हैं आप, या उन्होंने भ्रम फैलाया था और आपने वोट कबाड़े थे, इसे स्पष्ट होना चाहिए। देखिए हम नकारात्मक राजनीति, ठीक है जवाब ले लेते हैं, नकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे, जनता ने हमें भी एक बड़ा बड़ा मैंडेट दिया है, जनता ने हम पे आशीर्वाद दिया है, तो हमारा दायित्व है कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करें, सरकार पर सवाल उठाए, उन्हें जगाए कि आपने जो वादे किए पूरे करें। ठीक है प्रियंका जी, तीन अहम बातें जो कि नीलाब जी ने कही है कि 370 योजनाएं सरकार की ऐसी थी जिन्हें होल्ड पर डाल दिया गया है,
कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद लचर है, लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, और इसके अलावा नौकरियों पर अब क्यों बात नहीं की जाती? चुनाव के पहले तो बड़ी घोषणाएं होती थी, लेकिन युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, यह ज्वलंत सवाल है। भाई साहब शायद ये बात भूल गए हैं कि नियुक्त जो है वो सरकार नहीं चलाते। इन्होंने कहा कि रिपोर्ट कांग्रेस के कार्यालय में नहीं बनी, परंतु ये इन्होंने ये भी स्पष्ट नहीं किया कि किसी सरकारी दस्तावेज पे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट उस पेपर की रिपोर्ट हो सकती है, बड़ा मैगजीन की रिपोर्ट हो सकती है, बट वो सरकारी रिपोर्ट नहीं, आप उसे सरकारी रिपोर्ट का गंभीर रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है नीलाभ जी, आएंगे इस पर भी जरूर चर्चा करेंगे। आप किसी चैनल पर भी बैठिए, ये भी एक प्रतिष्ठित चैनल है, कोई बात कहता है तो ऑथेंटिक तरीके से कहता है। नीलाभ जी इसी पर चर्चा करेंगे, पहले पहले जी बात रखने दीजिए, ठीक है जी नीलाभ जी बात रखने दीजिए। जी प्रियंका जी आपकी बात पूरी करें जी। अपने छात्रों को मैगजीन के माध्यम से कहने की गुस्ताखी ना करें, नॉलेज थोड़ा सा अपना अपडेट करें। नीलाभ जी को जहां शर्म आनी चाहिए कि जातिवाद बांट बांट के चुनावी जातिवाद था, आप लोगों ने पहले बात में जाति काटा, आप लोग कैसे चल रही है आज दैनिक भास्कर सरदार वल्लभ और कर्मचारी ऊपर हुए टॉलरेंस की नीति मुख्यमंत्री जी अपना रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये स्पष्ट किया गया। आप लोग लाशों की राजनीति करते करते इतने नीचे गिर चुके हैं कि जहां जातिवाद में आज देश बढ़ रहा है उस पर चिंता और चिंतन करने की जगह आप लोग उसके ऊपर राजनीति करने के लिए अपने वाली राजनीति इस पे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, परंतु आप आज उसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। देश को जातियों में बांटने की जो शुरुआत आपने करी, जिसे आपको पहले ही निपटाना चाहिए था, समाधान करना चाहिए था, वो तो आपकी पार्टी ने नहीं किया था, और आज जीरो टॉलरेंस एप्लीकेबल होने के आप पर राजनीति करने के लिए जवाब ले लेते हैं। नीलाभ जी आप सकारात्मक विपक्ष की भूमिका की बात कर रहे थे, लेकिन प्रियंका जी कह रहे हैं कि आप तो लाशों पर राजनीति कर रहे हैं और जातिवाद को अब भी कांग्रेस मुद्दा बना रही है। नीलाभ जी समय बर्बाद कर रही है आपका, मेरा एक प्रतिष्ठित चैनल का, मैं विषय पे बात कर रहा हूँ। जी 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 आपकी बात रखिए, इसी पर सवाल है जी। आप सीधा कहा कि 370 योजनाएं बंद क्यों हो रही है, क्या ये जो जिस प्रतिष्ठित चैनल जो सर्वे किया वो गलत है क्या? आप क्यों नहीं दावा ठोकते उन पर? चलिए किसी की रिपोर्ट की गहराई में नहीं जाएंगे हम, विषय पर ही रहे। जी जी नीलाभ जी आपकी बात रखे, बात नहीं कर सकते तो ये बेसिरतर की बात विचार मत कीजिए, जमाने भर मैं तो मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मैं देश की विकास चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले, वो क्यों नहीं मिल रहा है? लाडली बहना के इवेंट के चक्कर में आपने कई योजनाओं को बंद कर दिए, आज कोरोना में जो अनाथ बच्चे हुए थे उन्हें आज 10 महीने हो गए अभी तक पेंशन नहीं मिली है, विधवा निराश्रितों को पेंशन नहीं मिली, दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिली जी। तो ये दरअसल प्रियंका जी जो सवाल है वो गारंटियों पर है कि चुनाव के पहले जो मोदी की गारंटी दी गई थी, एमपी के मन में मोदी के मन में एमपी, तमाम तरह की चीजें कही गई थी, अब उस पर काम नहीं हो रहा कांग्रेस से कह रही है। मोदी जी गारंटी में बात नहीं करूंगा, फिर बात निकल जाएगी 2014 पे जी, 2 करोड़ नौकरियों का क्या होगा? चलिए ठीक है, एमपी चुनाव को लेकर जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो घोषणाएं की थी उन पर भी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। जी प्रियंका जी वो काला धन लाने की बात का क्या हुआ? ठीक है नीलाभ जी वर्तमान में रहते हैं जी, प्रियंका जी जवाब दीजिए जी। गारंटी उसकी होती है जिसकी पुरानी गारंटी फुलफिल हुई हो, तभी तो गारंटी मानेंगे ना। ठीक है प्रियंका जी जवाब दीजिए, बात रखिए जी। इन्हें ये भी लगता था, अगर आज हम बात करने जाएं तो आज जीआर का जो आंकड़ा आया है शिक्षा के ऊपर, ये लोग हल्ला मचाते थे, आज उससे रजिस्ट्रेशन में नामांकन का जो रजिस्ट्रेशन है आज उसको राष्ट्रीय आंकड़े को भी पार करके हम आगे बढ़ चुके हैं। ये लोग नौकरियों की बात करते हैं, लोग स्टार्टअप्स के ऊपर बात नहीं करना चाहते, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर ये लोग बात नहीं करना चाहते, ईपीएफ रजिस्ट्रेशन बढ़ गए हैं 16 लाख से ज्यादा जो चुके नीलाभ जी, उसके ऊपर हमारी पीठ थपथपाने से पीछे हटते हैं। आज व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, अगर हम कहते हैं नौकरी के ऊपर आप पीछे पड़ते हैं, तो स्टार्टअप्स को किस श्रेणी में रखना चाहेंगे? आप ये भी तो बताइए कि जो स्टार्टअप्स आज स्टार्ट किए गए हैं जिसके कारण हमारी जो ग्रोथ हुई है, इनकम ग्रोथ जो बढ़ी है, उसको आप किस श्रेणी में रखना चाहेंगे? वो रोजगार है अथवा नहीं है? थोड़ा सा नॉलेज आप ये लेकर वाली जो 370 योजनाओं को बंद किया जा रहा है उस पर क्या विचार है?
मैं नहीं कह रही, नीति आयोग की रिपोर्ट प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की बढ़ी हुई है, जिसको कांग्रेस स्वीकार करना नहीं चाहती। उसके बाद आप लोग कहते हैं योजनाओं को अमलीजामा पहनाना, अमलीजामा पहनाने के लिए अभी तक आचार संहिता लगी रही, उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसके बाद जीरो टॉलरेंस लेकर के सबसे पहले कानून व्यवस्था को सुधारा गया, उसके बाद कानूनों में परिवर्तन करके भारत सरकार ने तीन पुराने कानून जो अंग्रेजों के जमाने के हम ढोते चले आ रहे थे उनको परिवर्तन कर कानून को और सख्त करके आज अब सरकार ने अपने हाथों को मजबूत किया है, उसके ऊपर आप लोग नहीं बदली गई अंग्रेज शासन के कानून को आप लोग अपना रहे थे अभी तक या नहीं अपना रहे जी। लेकिन नीलाब जी तो कह रहे कि कानून व्यवस्था और बिगड़ी है, सुधार कुछ नहीं आया उसमें। वही बात है ना, इन लोगों को वो हो चुके हैं जो पूरे शरीर को छोड़ के घाव, जो मक्खी होती है ना जो सिर्फ घाव पे जाके बैठती है उसी मक्खी की तरह हो चुकी है, जिसको सुंदर शरीर नहीं दिखता, ग्रोथ करता हुआ मध्य प्रदेश नहीं दिखता, बीमारू राज से स्वर्णिम मध्य प्रदेश होता हुआ नजर नहीं आता, इन्हें वो घाव नजर आता है जिसको ठीक करने का भी प्रयास नहीं करते, उसको और नासूर बनाने की कोशिश करते। मैंने कहा ये लोग ठीक है, जवाब दीजिए नीलाब जी, जहाँ अच्छे काम हुए वो सरकार के नहीं गिनाए जाते जी। चाहते कि हम स्तुति गान में लग जाए आपकी तरह, विपक्ष का दायित्व क्या होता है सरकार को जगाना, हमारे दायित्व से मुंह बोल ले, अनावश्यक रूप से स्तुति गान करें जैसे आप कर रहे हैं। मैं सीधा सवाल आपसे पूछता हूँ, 450 सिलेंडर आप कब देंगे बताइए मुझे, धान का मूल्य कब देंगे बताइए आप, गेहूं का मूल्य कब देंगे बताइए। चलिए सीधे सवाल है प्रियंका जी, जवाब दे दीजिए, धान का मूल्य कब मिलेगा, 450 रुपए में सिलेंडर कब मिलेगा, सीधा सवाल इसी पर जवाब लेंगे प्रियंका जी। इधर की बात है क्यों कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहा। ठीक है जवाब ले लेते हैं नीलाब जी, प्रियंका जी जवाब दीजिए। ने जब की थी जी उसी समय से पोटे स्टार्ट हो गए थे, वो भी चुनाव सभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना बाकी है, उसके बाद में लाडली बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर अवेलेबल होगा, ये प्रोसीजर है। जैसे ही ये प्रोसीजर कंप्लीट हो उसके बाद में उनको जैसे लाडली बहना का बेनिफिट मिलने लगा है, उनको 450 के सिलेंडर का बेनिफिट मिलने लगेगा, चले नीलाब जी आपसे जवाब जरूर लूंगा। वरिष्ठ पत्रकार विजय जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विजय जी आपका बहुत स्वागत है, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए इनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, नीलाब जी का रुख कर लेते हैं। तब तक नीलाब जी, प्रियंका जी ने कहा है कि हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, निश्चित तौर पर एक पूरी प्रक्रिया होती है, उसका पालन करने में समय लगता है, अभी सरकार बनी है, अभी फिर से काम शुरू हुए हैं, थोड़ा इंतजार तो कर लीजिए जी। प्रोसीजर तब होता है गारंटी जी, 2014 की गारंटी थी, बहुत लंबा प्रोसीजर का समय दे दिया साहब, 2014 से 2024 जी। अब आप बताएं 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष कब मिलेगी, मोदी जी की गारंटी थी हवाई चप्पल पहनने को, कब हवाई जहाज में घुमाएंगे, मोदी जी की गारंटी थी काला धन कब वापस लाएंगे, जबकि हमारा का सफेद धन लेके कई उद्योगपति पुर हो गए, बैंकों को चूना लगा कर उन्हें तक तो वापस ला नहीं पाए आप, काला धन कब वापस लाएंगे, रुपए का मूल्य आप कब बढ़ाएंगे अफगानिस्तान, मध्य प्रदेश पर बात करेंगे। देखिए चुनाव हो रहा है सभा स्तर पे, मध्य प्रदेश में संकुचित नहीं कर सकते, ये राष्ट्रीय स्तर की बहस हो रही है, चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं, गारंटी आप मोदी जी की दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश की बात मैं कैसे करूं, क्यों दे रहे फिर मोदी की गारंटी, तो मोदी की गारंटी बात भी होगी जी। चलिए ठीक है, इस पर जवाब लेंगे प्रियंका जी से, लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 1.5 महीनों में जो नई सरकार बनी है जी, लगातार सरकार का दावा है कि सुशासन आया है, प्रशासनिक तंत्र में सख्ती आई है, क्या इस तरह की तस्वीर आप देख पाए मध्य प्रदेश में पिछले 1.5 महीने में नई सरकार के कामकाज में? देखिए हम चाहते हैं, मैंने आपसे फिर हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं जी कि सरकार मजबूत है, हमसे जो मदद सहयोग हो सकते हम करेंगे, लेकिन जब सरकार सो जाए, सरकार इवेंट बनाए, जब सरकार का पूरा ध्यान लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में लग जाए, किस तरह लोक लुभावन घोषणाएं की जाए, ऐसा वातावरण तैयार की जाए कि लोकसभा चुनाव फिर वोट का बढ़ा जा सके, कहीं ना कहीं सवाल हम खड़े करेंगे। प्रदेश की जनता ने हमें भी एक बड़ा भारी मैंडेट दिया है जी, हमारा मतदान न्यूनतम कम हुआ है, हमारा मतदान प्रतिशत भरी रहा है, आज प्रदेश की जनता हमारी आशा भरी नजरों से देख रही है, विपक्ष नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा जी, इनके प्रवक्ता की फिर संवाद आके बोल देते हैं, पर्चे बांट दिए जाते हैं कि बिना सांस लिए बोल जाते हैं, मैंने इनको यही नहीं पता कि इनकी 370 योजनाएं बंद हो रही है, मैं बोल रहा हूँ बुरा मान रहे हैं, दैनिक भास्कर में छपा की 400 निकायों के पास आऊंगा इनके पास 20 तारीख का तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, तो ये तो जो योजना स्वीकृत करती उनका फंड नहीं आ पा रहा है, इस पर बात क्यों नहीं करना चाहते, विषय पर क्यों नहीं बात करना चाहते, या तो इनकी स्टडी नहीं है,
क्या ये सवालों से भागते हैं? ठीक है प्रियंका जी, क्या विपक्ष के सवालों से सरकार भाग रही है क्या, इसलिए कि कोई जवाब नहीं है उसके पास, या फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी पर ही पूरे सरकार का फोकस है अब? प्रियंका जी, अमित जी, आपकी जानकारी में भी होगा जी, चुनाव चल रहे थे जब इन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी के पैसे नहीं आएंगे, सरकार पैसे नहीं देगी जी। उसके बाद इन्होंने फिर कहा, जैसे कंप्लीट हुआ, रिजल्ट भी नहीं आया था उस समय, इन्होंने फिर नारे लगाए कि जो स्कीम है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, लाडली बहना के खातों में पैसे नहीं आए, अगेन 1250 रुपए की किस्त डल गई। उसके बाद फिर मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगी, इन्होंने कहा कि जो स्कीम चल रही है वो बंद हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन से कहा कि कोई भी ऑनगोइंग स्कीम बंद नहीं होगी जी, क्योंकि घोषणा पत्र में समय बीजेपी के शामिल नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने सवाल उठाए थे जी। आप आज ये किसी दैनिक भास्कर का रेफरेंस दे रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन्स का रेफरेंस दे रहे हैं, मैं आप ही के माध्यम से पूछ, छोटे अखबार नहीं है, आप गलत जा रही है। जवाब बात पूरी करने देते हैं, फिर जवाब ही लूंगा जी। जी जी प्रियंका जी, आपकी बात जी, आऊंगा नीलाम जी, आपका रुख करूंगा जी। करें मीडिया पे बड़े बड़े उंगली उठा के, ठीक है प्रियंका जी, आपकी बात पहले रखें जी। आपके जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, अगर आपके माध्यम से आप लोग कोई बात करते हैं तो क्या वो सरकार की बात मानी जाएगी, चैनल की बात मानी जाएगी? बिल्कुल, जब रिपोर्ट आती है तो हम कहीं ना कहीं ये दावा करते हैं, फैक्ट्स पर बात करते हैं कि किस सोर्स के आधार पर रिपोर्ट आई है, उसे हम प्रसारित करते हैं। और यदि सरकार अपना पक्ष रखे तो हम बिल्कुल सरकार के हवाले से भी रिपोर्ट जारी करते हैं जी। प्रियंका जी, अब जवाब दें, वही हम कह रहे हैं जी, मैं आपको वही कह रही हूँ, वो सरकार के तथ्यों पर आप रिपोर्ट बनाई आपकी आपकी हाथ में यहाँ मिला, कोई भी आप पर उंगली ना उठाए, अगर आप उंगली उठाता तो उस समाचार पत्र पर ही सवाल खड़ा कर देते, रिपोर्ट पर ही आप सवाल खड़ा कर देते। ठीक है, ठीक है नीलाम जी, आपके पास आऊंगा नीलाम जी, पूरा मौका दूंगा। प्रियंका जी पहले बात पूरी करें जी, उसे भी आप लोगों का कमिटमेंट माना जाएगा, आप लोग मुख्यमंत्री जी के कमिटमेंट बिल्कुल तो नहीं मान सकते। कौन मैसेज जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी तो फिर हम किसी रिपोर्ट को कैसे मान सकते हैं? ठीक है नीलाम जी, अब जवाब दें, रिपोर्ट्स की गहराई में हम नहीं जाएंगे, सवाल तो सिर्फ हमारे डिबेट का यही है कि पिछले एक महीने से ज्यादा जो कार्यकाल हुआ है मोहन सरकार का, कितना सुशासन मध्य प्रदेश में आया है जी? योजना कोई बंद नहीं कही गई है, आपने कोरोना में जो बच्चे अनाथ हुए तो उनके पेंशन की पिछले 10 महीने से उन्हें पेंशन नहीं मिली, विधवाओं को पेंशन नहीं मिली, आप जिस शहर में रहती है वहां कलेक्टर पर जाकर चेक कर सकती हैं आप, उसके बाद दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिली, तो ये योजना बंद नहीं तो और क्या, लालनी बिना स्टेंट के चक्कर में आज वेतन अटक गया, 400 निकायों का निकायों का नहीं 400 निकायों वेतन पेट पहुंचा है, भुगतान नहीं हो पा रहा, इसका मतलब सरकार के पास पैसा नहीं, 2000 करोड़ का कर्ज नवीनी सरकार ने लिया है, प्रत्येक व्यक्ति पर 50 रुपए कर्ज, तो माँ के गर्भ में बच्चा जन्म लेता है वो 50,000 के कलंक के साथ जन्म लेता है, तो बड़ी बड़ी योजना तो कर रहे हो, कहां से पूरा करेंगे? मुझे ये बताया कि आप इस राशि की व्यवस्था कहां से करेंगे? मैं राशि का सवाल कर रहा हूं, मैं आप जो घोषणा करें इसकी राशि आप कहां से लाएंगे, क्या जनता पे अतिरिक्त कर लगाएंगे, क्या योजनाएं बंद करेंगे, आप बताएं आप कहां से राशि लाएंगे जब तनख्वाह नहीं बांट पा रहे, कई योजना आपने बंद ठंडे बस्ते में डाल दिए, तो पैसा कहां से लाएंगे, और आप अपनी पीठ तब दबा रहे। ठीक है, अभी चुनाव बहुत है प्रियंका जी, क्योंकि भुगतान करना है आने वाले समय में, योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, ऐसे में सरकार बजट कैसे निर्धारित करेगी जब पहले से इतना कर्ज है जी? प्रियंका जी, आश्चर्य वाली बात है कि जब जब लोग कर्ज की बात करते हैं तो ये सामान्य सा नियम है कि आय के अनुसार जो आपके अलग अलग मद के अनुसार जो कर्ज लिए जाते हैं वो उन मदों का असेसमेंट होने के बाद लिए जाते हैं। दूसरी चीज, सोर्स ऑफ इनकम मध्य प्रदेश की इंक्रीज की है, शायद भाई साहब ने डेटा अपडेट नहीं पढ़ा होगा। अगर हम बात करते हैं तो आज पर्यटन की जो आय बढ़ी है 8% से ज्यादा, उसके ऊपर इन्होंने शायद रिकॉर्ड्स देखे नहीं हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो कृषि की आय, जिसमें दलहन तिलहन और इनके अलावा ग्रोथ कर रहे हैं मध्य प्रदेश, उसके ऊपर शायद कांग्रेस का ध्यान नहीं गया होगा। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको देखते हुए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है, उसके ऊपर शायद कांग्रेस कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पा रही है। तो मध्य प्रदेश इन्होंने छोड़ा था 2003 में, इनके विजन में अभी भी
मध्य प्रदेश है, समस्या यह है, ये अपना ना विजन चेंज कर पाते हैं, ना अपनी नीति ना रीति स्पष्ट कर पाते हैं, यहाँ तक कि ये खुद अपने कांग्रेस को भी अभी संगठित नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको चिंता ये करनी चाहिए कि ये अपने मजबूत पक्ष को मजबूत बनाए रखें, पहले अपने पक्ष को संगठित करें। डेवलप करने के लिए सुनिए, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के 1700 करोड़ की स्कीम में से 500 करोड़ सुनिए, 500 करोड़ का काम स्वीकृत हो चुके हैं, इसमें एक भी पैसा अभी तक नहीं आया है। चलिए तो विपक्ष का निश्चित तौर पर काम है सवाल पूछना, जनता की उम्मीदों को सामने रखना, और सरकार का दायित्व है कि किस तरह से जनता से जो वादे किए हैं उसे समय रहते हमें पूरा करना है। जनता ने एक बार फिर से भरोसा जताया है, निश्चित तौर पर जिम्मेदारियां कई है सरकार के कंधों पर, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी तरह से चौकस है कि सरकार की जो वादे थे, जो घोषणाएं थी, वो किस हकीकत तक पूरी हो पाती है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़े विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लहरे विधायक बिलाईगढ़ की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।